जसपुर नगर में लगातार कुछ अधिकारियों के आदेश पर नगर को अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद की जा रही है। इसके तहत ही आज नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शाहिद अली के नेतृत्व में पालिका टीम ने अतिक्रमण पर हंटर चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की, जिससे व्यापारियों में अफरा तफरी मची रही। इस दौरान ईओ शाहिद अली ने बताया कि कुछ लोगों ने ठाकुर मंदिर के पास रखे खोखे की जसपुर के एसडीएम से शिकायत कर उन्हें हटाने की मांग की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए नगर पालिका ने पहले खोखा स्वामी विमल तिवारी सुनील कुमार को खुद ही से ही अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन खोखा मालिकों ने नगर पालिका को शपथ पत्र देकर साथ दिवाली का त्यौहार के बाद विद्युत ट्रांसफर के पास लगे अपने खोखे खुद ही हटाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन दीपावली के बाद न हटाने पर नगर पालिका ने खुद ही अतिक्रमण पर हंटर चलाते हुए बड़ी कार्यवाही की। इसके आगे अधिकारी शाहिद अली ने बताया कि जब तक शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता तब तक अभियान जारी रहेगा। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। परिषद को शिकायत प्राप्त हो रही थी कि शहर में अतिक्रमण होने की वजह से रास्ते जाम हो रहे हैं, जगह जगह बाधा उत्पन्न हो रही है, इसके लिए जो है विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और आज हमारे द्वारा सुभाष चौक से लेकर GGIC होते हुए सरकारी अस्पताल तक अभियान चलाया गया, और उसके बाद जो ठाकुर द्वारा अफजलगढ़ बस स्टैंड पर भी अभियान चलाया गया, उसमें लगभग 20 खोखों को चिन्हित किया गया था। 3 हमने कल हटा दिए थे और 5 खोखे आज हटा दिए गए हैं। शेष खोखों को हटाए जाने के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर वो लोग स्वयं हटा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो नगर पालिका अपने संसाधनों से उनको हटा देगी।